राजनीति के साथ गरीबों, मजदूरों व सभी वर्गों के दिल के दर्द और जरूरत को समझने का जज्बा कम लोगों में होता है। विदिशा के नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन में वह जज्बा देखा जा सकता है। राजनीति के साथ ही उनमें प्रभावितों के दर्द को कम करने की तड़प देखी जा सकती है। महज आधे घंटे में मुकेश टंडन ने समाज सेवियों के साथ हजारों मजदूरों के भोजन आदि की व्यवस्था जुटाकर जो सेवा की है वह प्रशंसनीय है। नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन द्वारा की जा रही बाहर से आने वाले श्रमिकों की सेवा के चलते श्रमिकों के चेहरे पर प्रसन्नता देखी जा सकती है। पिछले 50 दिन से जहां नगर के प्रभावितों, जरूरतमंदों को भोजन, राशन आदि उपलब्ध कराया, नगर समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइज किया, तो वहीं बाईपास से भूखे प्यासे परेशान प्रवासी मजदूर पैदल जा रहे थे, उनकी सेवा में जुट गई। नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन के साथ ही समाज सेवी और संगठनों के सदस्य भी लोगों की सेवा में कंधे से कंधा मिलाकर जुटे हैं। विदिशा से श्रमिकों को पैदल नहीं जाने दिया, भोजन कराया, जूते चप्पलें पहनाई, कपड़े पहनाए, चाय फल आदि खिलाए और फिर वाहनों में बिठाकर रवाना किया। नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन का सोचना रहता है कि विदिशा से कोई भूखा प्यासा नहीं निकले, इसके लिए वे समाजसेवियों के साथ लगातार सेवा कार्य में जुटे रहते हैं। आए मजदूरों को लेकर 5-6 ट्रेनें निकली, दूसरे राज्यों से आए मजदूर भूखे थे, अन्य सुविधाओं की भी जरूरत थी, लेकिन जैसे ही विदिशा का रेलवे स्टेशन आया तो मजदूरों के चेहरे खिल उठे। नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने बताया कि रेलवे स्टेशन मास्टर से उन्हें आधा घंटे पहले श्रमिकों को लाने वाली ट्रेन की जानकारी मिली तो आनन फानन में भोजन, खिचड़ी, पानी आदि जरूरतों के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। समाज सेवी भी अपने स्तर पर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन में सवार श्रमिकों की सेवा में जुटे। देखते ही देखते अपने अपने हिसाब से श्रमिकों की जरूरतों को पूरा कर दिया। श्रमिकों से जब चर्चा की तो उनका कहना था कि दूसरे राज्य से यहाँ आए हैं, भूख भी लग रही थी, लेकिन विदिशा में आकर भोजन, पानी आदि व्यवस्थाएं, सुविधाएं मिली। श्रमिकों ने कहा कि विदिशा जैसा शहर और यहाँ के लोगों जैसे लोग बिरले ही मिलते हैं। श्रमिकों ने समाज सेवियों और नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन को धन्यवाद दिया। नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने बताया कि महज आधे घंटे में सारी व्यवस्थाएं जुटाकर समाज सेवी संगठनों के साथ ट्रेन में सवार तकरीबन 6,000 लोगों को भोजन आदि कराया। नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने सेवा कार्य में जुटे सभी समाज सेवियों को धन्यवाद दिया और इसी तरह सहयोग की अपेक्षा जताई। वीर सिंह मेरा नाम है। कहाँ से आए हो? कर्नाटक से आए हो। यहाँ कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर जो आपकी भोजन की व्यवस्था की गई है कैसा लग रहा है? अरे बहुत सर, बहुत इतनी अच्छी है। यहाँ कभी यहाँ पे यहाँ तक महाराष्ट्र तक यहाँ कुछ नहीं, लेकिन यहाँ इतना अच्छा मस्त काम किया गया भोजन में, खाने पीने के लिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। मतलब आप दूसरे प्रदेशों से आए, ऐसी व्यवस्था मध्य प्रदेश में ऐसी कहीं नहीं है? नहीं 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 नहीं, यहाँ बहुत इतनी व्यवस्था, मानो का पानी आने वालों, खाने पीने का हर चीज, मतलब भोजन के लिए बहुत बहुत आपकी मानो का महान दया हो। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सर बहुत आप वालों का मतलब थैंक यू सर कहते हैं। लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था। विदिशा में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री जी का ये शहर है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश से किसी को भी हम भूखा नहीं जाने देंगे, फिर उनके शहर से लोग कैसे भूखे जाएं। इसलिए सारे यहाँ के सामाजिक संगठन और विदिशा नगर पालिका परिषद द्वारा आज जब ये मालूम पड़ा कि 5 श्रमिक ट्रेनें यहाँ से गुजर रही हैं, हमारे सारे सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर आ गए और सब ने यथायोग सेवा जो भी हो सकती है, कोई पानी पिला रहा है, कोई बिस्किट बांट रहा है, कोई जो है खिचड़ी दे रहा है, तरह तरह की जो भी व्यवस्थाएं थी वो सब ने यहाँ पर की है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
सुबह से पहले बनाया था, 2 बजे से तो सबको सर करके भेजते।